मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने वाला हूं। हो सकता है आपने ये कहानी सुनी हो या ना सुनी हो, पर मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एक समय की बात है, एक आदमी कहीं से गुजर रहा था, तभी उसने सड़क किनारे बंधे हुए हाथियों को देखा और अचानक रुक गया। उसने देखा कि हाथियों के अगले पैर में एक रस्सी बंधी हुई है। उसे इस बात से बड़ा अचरज हुआ कि हाथी जैसे विशालकाय जीव को एक छोटी सी रस्सी से बांध के रखा गया है। यह स्पष्ट था कि हाथी जब चाहे तब अपने बंधन को तोड़कर कहीं भी जा सकते थे, पर किसी वजह से वो ऐसा नहीं कर रहे थे। और तभी उस आदमी ने उनके पास खड़े हुए महावत से पूछा कि भला ये हाथी किस प्रकार इतनी शांति से खड़े हैं और भागने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं। और तब महावत उस आदमी से कहता है कि बचपन से इन हाथियों को इन रस्सियों से बांधा जाता है। उस समय इनके पास ये शक्ति नहीं होती कि ये इस बंधन को तोड़ सकें। बार बार प्रयास करने पर भी रस्सी ना तोड़ पाने के कारण उन्हें धीरे धीरे यकीन हो जाता है कि वो इस रस्सी को नहीं तोड़ सकते, पर बड़े होने पर भी उनका यकीन बना रहता है, इसलिए वो कभी भी इस रस्सी को तोड़ने का प्रयास नहीं करते। वो आदमी आश्चर्य में पड़ जाता है कि ये जानवर सिर्फ इसलिए अपना बंधन नहीं तोड़ सकते क्योंकि ये इस बात में यकीन करते हैं कि ये अपना बंधन नहीं तोड़ सकते। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन हाथियों की तरह हम में से बहुत सारे लोग सिर्फ पहले मिली हुई असफलता के कारण ये मान बैठते हैं कि अब हमसे ये काम नहीं हो सकता, हम ये काम नहीं कर सकते, और अपनी ही बनाई हुई मानसिक रस्सियों में जकड़े हुए अपना पूरा जीवन निकाल देते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, याद रखिए, असफलता जीवन का एक हिस्सा है और निरंतर प्रयास करने से ही सफलता मिलती है। यदि आप भी ऐसे ही किसी रस्सी में बंधे हुए हैं जो आपको अपने सपने को सच करने से रोक रहा है, तो ये मानना बंद कीजिए कि आप इस रस्सी को नहीं तोड़ सकते। आप ऐसी एक नहीं, हजार रस्सियों को तोड़ने की ताकत रखते हैं। ये कहानी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं नीलकंठ आपसे मिलूंगा मेरे ऐसे ही किसी मोटिवेशनल वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।